वीएसएससीटी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। कोलकाता कथा के षष्ठम दिन मनाया गया कृष्ण रुक्मिणी जी का विवाह। कल सुबह 9:30 बजे से भक्तों को प्राप्त होगी गुरु प्रसादी। कोलकाता कथा पंडाल में लगाया गया मेडिकल कैंप। और हर दिन भरपूर भंडारे का आनंद ले रहे हैं कोलकाता के भक्त। प्रभु श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के विवाह के दर्शन कर कौन खुद को भाग्यशाली नहीं मानेगा। ये दृश्य किसी किसी के नसीब में होता है। आइए आप भी शामिल हो इस चकाचौंध में, जिसकी रोशनी से दमक रहा है कोलकाता कथा पंडाल। कथा के षष्ठम दिन प्रभु श्री कृष्ण रुक्मिणी जी का विवाह दर्शाया गया, जहां कथा पंडाल में सभी भक्तों ने नाचते गाते इस अद्भुत दृश्य के दर्शन करे। पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज के भक्तों के लिए जरूरी सूचना। कोलकाता कथा से पूर्व कल सुबह 9:30 बजे से आप प्राप्त कर सकते हैं पूज्य ठाकुर जी महाराज द्वारा गुरु दीक्षा। जी हां, कल गुरु पूजन एवं गुरु दीक्षा का विशेष कार्यक्रम बंगाल के भक्तों के लिए रखा गया है। आप सभी बड़ी सी बड़ी संख्या में पहुंचकर गुरु प्रसादी जरूर प्राप्त करें। आप अपनी सेहत को नज़रअंदाज ना कर सकें, इसके लिए मेरा भारत मेरा स्वाभिमान एवं विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट सतर्क है। जी हाँ, कोलकाता कथा के दौरान आप सभी भक्तों के लिए मेडिकल कैंप लगाया गया है, जहां आप अपने और अपनों की शारीरिक जांच बिना पैसे दिए करा सकते हैं। मेडिकल कैंप का पिछले दिनों से भक्त लाभ ले रहे हैं। कोलकाता में लगाया गया है भक्तों के लिए भंडारा। कथा के आयोजकों एवं कार्यकर्ताओं के द्वारा भरपूर भंडारे की सेवा दी जा रही है, जिसका आनंद कोलकाता कथा पंडाल में पहुंच रहे हजारों भक्त ले रहे हैं। अब नहीं होगी कोई अपडेट मिस, क्योंकि आप सभी के बीच आ गया है वीएसएससीटी न्यूज। आज ही सब्सक्राइब करें।